दोस्तों, संजय राउत को लेकर बड़ी खबर है, हैरानी भरी खबर है, चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि इस बार राउत ने कुछ ऐसा किया है कि जिस पर ना ही उनके चाहने वालों को और ना ही उनके विरोधियों को यकीन हो रहा है। यहां तक कि जेलर को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि संजय राउत ने जेल में बहुत बड़ी परमिशन मांगी है और वो परमिशन है जेल में पार्टी की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालात तो यहाँ तक है कि संजय राउत के लिए स्पेशल डॉक्टर तक को बुला लिया गया। हालांकि खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि कहीं ये सोची समझी चाल तो नहीं, प्लानिंग तो नहीं। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर दें कि क्या ये संजय राउत का नया प्लान है या फिर वाकई संजय राउत को स्पेशल डॉक्टर की जरूरत है। कमेंट जरूर करें, चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत को जेल में लंबा वक्त हो चुका है, हालात ये हैं कि वो कब जेल से बाहर निकलेंगे कहा नहीं जा सकता। हालांकि उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही है और संजय राउत को इस बार लग रहा है कि किसी भी हालत में और ज्यादा जेल में नहीं रहेंगे और अब की बार जेल से बाहर निकल ही जाएंगे, यानी कि जमानत मिल ही जाएगी। जी हाँ, राउत को इस बार ऐसा ही लग रहा है और इसीलिए तो संजय राउत बेकाबू होते जा रहे हैं और हालात इतने ज्यादा बिगड़ रहे हैं कि राउत की कंडीशन ही ओवर एक्साइटमेंट वाली हो गई है। और इसी ओवर एक्साइटमेंट में संजय राउत ने कुछ ऐसा कर दिया है, कुछ ऐसा कह दिया है जिससे कि बवाल हो गया, हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। अब पहले पूरा मामला समझिए, फिर इसे पूरा डिकोड करेंगे। तो जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि संजय राउत ने जेल में अनोखी परमिशन मांगी है और वो अनोखी परमिशन है जेल के अंदर पार्टी की परमिशन। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी और हैरानी भरी खबर है कि संजय राउत जेल में पार्टी करना चाहते हैं और इसके लिए परमिशन मांगी है, जेल सूत्रों का कहना है ऐसा। आगे देखिए, जेल सूत्रों ने कहा है कि कुछ कैदी संजय राउत के अच्छे दोस्त बन गए हैं और उन्हें संजय राउत अब पार्टी देना चाहते हैं। अब असल में आगे बढ़ने से पहले ये भी समझिए कि जेल में एक कैंटीन होती है और उस कैंटीन में काफी सारा सामान मिलता है और उसमें सामान खरीदकर खुद भी खा सकते हैं और साथ ही कैदियों को भी खिला सकते हैं। और मुंबई की इस आर्थर रोड जेल की कैंटीन में वड़ा पाव, मिसल पाव, डोसा, बर्गर, समोसा, यहाँ तक कि मिठाइयाँ भी मिलती हैं और अपने पैसे से कैदी इन्हें खरीद सकते हैं। आगे देखिए, अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत यही चाहते हैं कि उन्हें परमिशन मिल जाए जिससे वो अपने करीबी कैदियों को वड़ा पाव, मिसल पाव, मिठाइयां खिला सकें, पार्टी दे सकें। और जेल सूत्रों के मुताबिक इसके लिए परमिशन मांगी गई है। अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को लगने लगा है कि वो 9 नवंबर के बाद जेल से छूट जाएंगे, उन्हें जमानत मिल जाएगी, सलाखों के पीछे अब वो नहीं रहेंगे और इसीलिए हो सकता है कि वो चाहते हो कि जो भी कैदी उनके दोस्त बने हैं खुद की जमानत मिलने पर उनको पार्टी दी जाए, अच्छा खाना पीना उनको खिलाया जाए। अब इस बात पर जेलर भी परेशान हो गए हैं। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से परमिशन मांगी गई है वो हैरानी भरी है और इसीलिए जेलर भी हैरान है, परेशान है। और बड़ी बात यह भी है कि परमिशन जल्द से जल्द देने के लिए कहा गया है। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगा है कि इस परमिशन के बहाने कहीं कुछ और करने की प्लानिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि पहले भी ऐसा जेल में होता रहा है जब इस तरह की कोई परमिशन मांगी गई हो और वहां पर मामला कुछ और ही निकला हो। और ऊपर से संजय राउत इस बात के लिए बार बार कह रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। और जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की हरकतें भी अजीब हैं, ओवर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश भी दिख रहे हैं। अब ऐसा अचानक कुछ हुआ तो नहीं है कि संजय राउत इतने खुश हो जाएं और अभी से जेल से बाहर निकलने का जश्न मनाने लगे, जबकि अभी तक तो फैसला भी नहीं आया है। जेल से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है। अब इसी बात से परेशान होकर जेल प्रशासन ने संजय राउत के लिए डॉक्टर बुला लिया और वो भी स्पेशल वाला डॉक्टर। जी हाँ, आप समझ ही रहे हैं, जेल प्रशासन परेशान हो गया कि कहीं संजय राउत का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया, यानी सरल भाषा में कहा जाए तो कहीं संजय राउत पागल तो नहीं हो रहे। और संजय राउत की हेल्थ के चेकअप के लिए मानसिक इलाज करने वाले डॉक्टर को बुलाया गया और कुछ टेस्ट भी किए गए हैं और जेल सूत्रों के मुताबिक इन टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। राउत का ओवर एक्साइटमेंट बेहद ही ज्यादा है और इसीलिए संजय राउत के बर्ताव पर, उनके हालात पर शक हो रहा है। अब जो भी हो, राउत के लिए ये ठीक नहीं है क्योंकि अभी तक जमानत मिलना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो कोर्ट ने राउत के पक्ष में तक कोई बात नहीं कही। और दूसरी बात यह है कि संजय राउत का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिससे परेशानी हो रही है कि आखिर ऐसा हो क्या गया है। और इसीलिए डॉक्टर को बुलाया गया, इलाज तक करवा लिया गया। हालांकि पूरी वजह, पूरे मामले का खुलासा अब तक नहीं हुआ, लेकिन जल्द से जल्द इस खुलासे की बात कही जा रही है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या ये संजय राउत की चाल है या फिर वाकई उनकी हालत खराब है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के हालात खराब थे, खराब हैं और आगे भी कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे कहा नहीं जा सकता। लेकिन संजय राउत को लगता है कि उनके दिन तो आ गए,
आ क्या गए, अब उनका ही वक्त शुरू होने वाला है। यहाँ तक कि लगने लगा कि अब उन्हें जेल से छुट्टी हर हालत में मिलने वाली है, जमानत मिलने वाली है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ संजय राउत दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और सुबह सुबह जेल में इसे लेकर बहुत कुछ हो गया। जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में शुक्रवार की सुबह सुबह संजय राउत के वकील उनसे मिलने पहुंचे और तय समय के लिए संजय राउत को भी जेल की सेल से बाहर लाया गया, मुलाकात करवाई गई। अब वहां पर क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। तो जेल सूत्रों के मुताबिक सिर्फ संजय राउत के परिवार को और वकील को ही उनसे मिलने की परमिशन है, इसीलिए वकील को उनसे मिलने दिया गया और मीटिंग रूम में दोनों की मुलाकात हुई। अब जेल का मैनुअल कहता है कि करीब 15 मिनट तक ये मुलाकात हो सकती है और स्पेशल परमिशन पर कुछ देर तक और ये बातचीत बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ देर नहीं बल्कि काफी देर तक बातचीत होती रही। हालांकि इससे पहले भी जब भी कोई संजय राउत से मिलने आया तो राउत ने हमेशा ही ज्यादा वक्त लिया, तय समय से ज्यादा देर तक मुलाकात की बात की, मगर इस बार ये वक्त कहीं ज्यादा हो गया था। इतना ज्यादा कि बंदी रक्षक को जेल कर्मी को रोकना पड़ा, टोकना पड़ा। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जेल कर्मी ने संजय राउत को वकील को रोक दिया, टोक दिया कि आपका समय अब खत्म हो गया है, मुलाकात को खत्म कीजिए और आप भी अपने घर जाइए और संजय राउत आप भी जेल के अंदर सेल के अंदर चलिए। अब जेल सूत्रों के मुताबिक इतना कहना था कि वहां पर मामला गर्म हो गया, माहौल खराब होने लगा। जी हाँ, संजय राउत जेल कर्मी पर भड़क गए। जेल सूत्रों के मुताबिक राउत काफी ज्यादा गुस्से हो गए, कहने लगे कि वो कुछ जरूरी बात कर रहे हैं और कानूनी मसले पर बात कर रहे हैं और क्या उन्हें कानून की मदद लेने का भी हक नहीं है। तो इस पर जेल कर्मी की तरफ से भी जवाब दिया गया कि आपको कानून की मदद लेने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, आपको कानून की मदद मिलने का ही मौका दिया जा रहा है और काफी देर से आप बात भी कर रहे हैं और ये बातचीत काफी लंबी हो चुकी है, तय समय से काफी ज्यादा वक्त हो चुका है और इसीलिए इसे अभी के अभी खत्म करें। अब हालात ये थे कि संजय राउत कहाँ थमने वाले थे। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह यहाँ बवाल हो रहा था, हंगामा हो रहा था। संजय राउत काफी गुस्से में थे और गुस्से में कांपने लगे, चिल्लाने लगे और पास में मौजूद वकील ने वहां पर संजय राउत को संभाला। अब यहाँ पर हालात काफी टेंस थे। संजय राउत को पानी दिया गया, मामला शांत कराने की कोशिश की गई और कुछ देर वकील और संजय राउत की बात हुई और उसके बाद खुद वकील ही वहां से चले गए और संजय राउत को भी अंदर जाने को कहा। अब संजय राउत के वकील तो वहां से निकल गए लेकिन राउत की नाराजगी कम नहीं हुई। संजय राउत गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर की तरफ गए और इस दौरान बड़बड़ाते भी रहे और जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत बड़बड़ाते दिखे कि मैं अब जेल में नहीं रहूंगा, कुछ भी कर लो, जेल में मेरा रहना अब खत्म हो गया है, मेरा वक्त जेल में अब खत्म हो गया है और मैं अब जेल से बाहर जाऊंगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ बड़बड़ाते हुए निकले, ऐसा जेल सूत्रों का कहना है। वहीं जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि जैसे उनकी जमानत पक्की हो गई हो, फैसला ही आ गया हो, बस उन्हें जेल से बाहर जाना ही हो। ओवर कॉन्फिडेंस में संजय राउत एक बार फिर से घमंड दिखाने लगे जो कि पहले भी दिखाते थे और उसी घमंड के नशे में चूर होकर जेल कर्मी से लड़ गए, भिड़ गए और गुस्सा होकर चिल्लाने तक लगे।